नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिम्मत रामा आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन ने पशु परिचर भर्ती के लिए राजस्थान ज्योग्राफी एमसीक्यू प्रारंभ करी थी। उसमें कल अपन ने कौन से खनिज के बारे में जो भी क्वेश्चन थे उनका अपन ने क्या किया था, विस्तार से अध्ययन किया था, ठीक है। और आज जो खनिज के जो और क्वेश्चन बच गए थे वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। देखो, आज जो अपन खनिज का कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसमें अगर पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में तांबड़ा गार्नेट का सर्वाधिक खनन किस जिले में होता है, ठीक है। ये जो तांबड़ा वाला प्रश्न है, ये अभी जो EU RO का जो पेपर हुआ था इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी जो तांबड़ा है, ये तांबड़ा लाल रंग का होता है। इसका जो रंग होता है वो रंग कौन सा होता है, लाल रंग का होता है, इसलिए इसे कहते हैं रक्तमणि। इसे अपन किस नाम से जानते हैं, रक्तमणि के नाम से भी जानते हैं। और अन्य इसका जो नाम है, और आप देखोगे तो इसको नाम है फिरोजा नाम भी है इसका, और इसका जो एक और नाम है वो है इसका गार्नेट, ठीक है। और ये जो इसका जो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है या फिर जो क्षेत्र है जिस क्षेत्र से निकलता है, तो ये कहाँ से निकलता है, तो देखो एक आपके हो जाएगा जनकपुरा, देवली, राजमहल, ठीक है। अब इसमें से जो प्रमुख है वो कौन सा है आपका, राजमहल। तो ये तीनों की तीनों जो आपके तांबड़ा की खान है वो कौन से जिले में, आपके टोंक जिले में, कौन से जिले में, टोंक जिले में, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा, टोंक हो जाएगा। प्रतापगढ़ के जो केसरपुरा है वहां से आपके हीरे का खनन होता है, राजसमंद में आप देखते हो तो पन्ना का होता है, और कोटा में आप देखते हो तो कोटा में आपके कौन सा है, बॉक्साइट। तो इसका सही जवाब क्या था आपके, टोंक, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन करता है, ठीक है। एक खनिज है, अधात्विक खनिज है फेल्सपार। ये फेल्सपार कौन से जिले में प्रसिद्ध है जहाँ से ये खनन होता है इसका, ठीक है। तो जो फेल्सपार है, ये फेल्सपार आपके दादलिया नामक स्थान से प्राप्त होता है, और ये जो दादलिया स्थान है ये आपके कौन से जिले में, अजमेर जिले में, कौन से जिले में, अजमेर में, ठीक है। इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा। यहाँ से आप बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर अपन पाली की बात करते हैं तो पाली में आप देखते हो एस्बेस्टोस, कौन सा देखते हो पाली में, पाली में देखते हो आप एस्बेस्टोस, ठीक है। पाली के सेंद्रा गांव से ये प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। जयपुर में आप देखते हो सिलिका रेत कहाँ की प्रसिद्ध है आपके, तो सिलिका रेत का उत्पादन होता है आपके जयपुर में। और सीकर में देखते हो तो सीकर में आपके होता है कैल्साइट, किसका होता है, कैल्साइट का भी होता है और पाइराइट का भी होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सलादीपुर खान से कौन सा खनिज का उत्पादन किया जाता है, सलादीपुर, ठीक है। मैं स्टार बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ये जो सलादीपुर है, ये सलादीपुर किसके लिए आपके, पाइराइट के लिए, किसके लिए, पाइराइट के लिए। देखो जो जास्पर है, ये जास्पर आपके जोधपुर से प्राप्त होता है, क्वार्ट्ज है ये भी आपके अजमेर से प्राप्त होता है, पाइराइट सीकर, सलीदापुर कहाँ आता है आपके, सीकर में आता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और सुलेमानी जो पत्थर है इसके लिए आपको चित्तौड़गढ़ जिला याद रखना, कौन सा, चित्तौड़गढ़। अगर चित्तौड़गढ़ ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपके होगा कोटा, कौन सा होगा, कोटा होगा। और कोटा भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपके ऑप्शन में होगा झालावाड़, कौन सा होगा, झालावाड़ होगा। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, ताजमहल कहाँ है, आगरा में, ठीक है। तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर का खनन राजस्थान के किस जिले से किया गया था, ठीक है। तो ताजमहल बना था वहाँ पर, वो कौन से पत्थर से बनाया है, तो वो बनाया है संगमरमर। लेकिन संगमरमर अपने राजस्थान में कहाँ से गया था, तो वो गया था आपके
नागौर से, कहाँ से गया था आपके, नागौर से गया था, ये बात आप ध्यान रखना। नागौर में भी कहाँ से, नागौर में गया था वो आपके मकराना से, कहाँ से गया था मकराना से, ठीक है। और यहाँ पर आपके कौन सा संगमरमर है, तो यहाँ से प्रसिद्ध आपका है सफ़ेद संगमरमर, कौन सा है सफ़ेद, ठीक है। उदयपुर में देखते हो तो उदयपुर में आपका हरा संगमरमर है और आपके गुलाबी संगमरमर है, ठीक है, हरा और गुलाबी संगमरमर, ठीक है। ये किसके लिए, पन्ना के लिए, राजसमंद किसके लिए, पन्ना के लिए, ठीक है। और बांसवाड़ा जो है, बांसवाड़ा आपके कौन से संगमरमर के लिए, तो बैंगनी जो संगमरमर है उसके लिए, कौन सा है आपका बांसवाड़ा, ठीक है। इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा, नागौर मकराना सफ़ेद संगमरमर, ठीक है। अगला है सुमेलित करना है, एक तरफ आपको खान दे रखी है, एक तरफ आपको उत्पादक क्षेत्र दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि सही जवाब आपके क्या होगा, ठीक है। देखो जो फेल्डस्पार है ये अभी अपन बात कर गया दादलिया अजमेर से, फ्लोराइट है मांडोगी पाल कहाँ डूंगरपुर, कैल्साइट है आपके सीकर से, कहाँ से सीकर से, और वोलेस्टोनाइट है वो आपके सिरोही से। एक तो वोलेस्टोनाइट याद रखना, एक फ्लोराइट, दोनों भी याद रखना, ठीक है। तो एक अथर इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो सही जवाब आपके क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, चलिए अगला प्रश्न है आपका, गोटारू स्थान किस जिले में स्थित है, गोटारू, ठीक है। आप ऊर्जा खनिज पढ़ते हो, उस ऊर्जा खनिज को, तीन प्रकार के ऊर्जा खनिज होते हैं, एक आपके कोयला होता है, एक आपके प्राकृतिक गैस होती है, और एक आपके खनिज तेल होते हैं, ठीक है। तो देखो गोटारू है, ये गोटारू आपके प्राकृतिक गैस जो है उसकी क्या है, ये खान है, ठीक है, प्राकृतिक गैस की खान है। इसी प्राकृतिक गैस को अपन बोलते हैं पर्यावरण मित्र, किस नाम से जानते हैं इसे, इसे अपन कहते हैं पर्यावरण मित्र के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर जो आपके क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, एक आपके हैं गोटारू, ठीक है, उसके बाद है मनियारी टिब्बा, और डाडे वाला, तो ये जो है ये किसके हैं, प्राकृतिक गैस के, और तीनों के तीनों, और एक आपका इंपॉर्टेंट और है वो भी याद रखना, रामगढ़, ठीक है, ये भी प्राकृतिक गैस का ही है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों आपके कौन से जिले में, ये जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र हैं आपके जैसलमेर जिले में, कौन से जिले में, आपके जैसलमेर जिले में, तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में यूरेनियम के भंडार वाले जिलों का युग्म है, यूरेनियम के भंडार, ठीक है, जो आण्विक खनिज है उसमें से आप थोरियम देखते हो, बेरिलियम देखते हो, और एक खनिज आता है उसे कहते हैं अपन यूरेनियम, यूरेनियम। और ये जो यूरेनियम है, इस यूरेनियम के आप क्षेत्र देखोगे तो यूरेनियम के जो क्षेत्र हैं वो आपको 12 जिले में भी हैं, 12 में हैं, 12 के बाद देखते हो आप डूंगरपुर में भी हैं, डूंगरपुर, सीकर, और अपना उदयपुर, ठीक है। तो इसमें से देखो आप, हाँ, डूंगरपुर और उदयपुर, ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा है, नागौर भीलवाड़ा है, और उदयपुर और डूंगरपुर, तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा, उदयपुर और डूंगरपुर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में तेल रिफाइनरी का कहाँ स्थापित की गई है, तेल रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है, बालोतरा, जैसलमेर, फलोदी और बाड़मेर, ठीक है, ये आप जरूर बताइएगा कि ये कहाँ की गई है, ठीक है। देखो जो तेल रिफाइनरी है ये अपने राज्य की प्रथम तेल रिफाइनरी, राज्य की प्रथम तेल रिफाइनरी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब इसके बारे में तीन चार पॉइंट आपको याद रखने हैं, तीन चार पॉइंट कैसे याद रखने हैं, एक कब की गई, दूसरा किसके द्वारा यानी किसने इसका शिलान्यास किया था, उसके बाद में इसमें योगदान किस किस का है, और स्थान याद रखना है कि कहाँ की गई,
ठीक है। अगर आप देखते हो कब की गई है, तो ये की गई आपके 16 जनवरी 2018 को की गई थी। कब की गई थी? 16 जनवरी 2018 को। किसके द्वारा? तो इसका जो शिलान्यास किया था वो किया था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। किसने किया था? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और इसमें जो योगदान है वो योगदान आप देखते हो तो HPCL का है, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, और एक तरफ कौन है? अपनी राज्य सरकार। तो इसमें जो HPCL का योगदान है वो है 74% और राजस्थान का है अपना 26%। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी आपके पंचपदरा में। कहाँ की गई? पंचपदरा। और पंचपदरा वर्तमान में कौन से जिले में? तो ये आपके बालोतरा जिले में। कौन से जिले में? बालोतरा जिले में। तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा? बालोतरा। अगर बालोतरा ऑप्शन में नहीं है तो बाड़मेर करना है। बालोतरा ऑप्शन में नहीं है तो बाड़मेर करना है, नहीं तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा? बालोतरा ही होगा, ठीक है। कब? 16 जनवरी 2018। किसने? पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। योगदान है HPCL और राजस्थान का। HPCL का योगदान है 74%, राजस्थान का है 26%। और कहाँ की गई थी? आपके पंचपदरा में की गई थी। कहाँ की गई थी? पंचपदरा में की गई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से बाड़मेर में स्थित तेल का क्षेत्र नहीं है, ठीक है, तेल का क्षेत्र नहीं है। तो ये जो तेल है ये आपके कौन सा तेल है? खनिज तेल। कौन सा तेल है? खनिज तेल, पेट्रोलियम, ठीक है। अब इसके जो राजस्थान में जो क्षेत्र हैं वो आप देखते हो तीन कितने प्रकार के देखते हो? देखो, एक आपके हैं बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन। एक आपका है जैसलमेर बेसिन, ठीक है। उसके बाद में है आपके बीकानेर नागौर बेसिन, और उसके बाद में लास्ट हो जाएगा आपके विंध्य बेसिन, ठीक है। अब जो आपके बाड़मेर और सांचौर बेसिन है यहाँ पर जो तेल के उत्पादन का जो काम करती हैं वो आपके करती हैं केयर्न एनर्जी कंपनी। कौन करती हैं? केयर्न एनर्जी कंपनी करती हैं, ठीक है। बीकानेर और नागौर में कौन करती हैं? तो एक्सआर कंपनी करती है। कौन सी कंपनी है यहाँ पर? एक्सआर कंपनी है, ठीक है। अब आपके देखो, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, दिख रहा है? एक बार चेक करना, दिख रहा है, ठीक है। और आपके जो जैसलमेर है यहां पर कौन सी है? यहां पर है आपके फिनिक्स। कौन सी है? फिनिक्स है। तो यहाँ पर जो तेल के कुएं थे उसमें जो पहला जो तेल का कुआं खोजा गया था वो था आपके मंगला। कब खोजा गया था ये? 2009 में। कब खोजा गया था? 2009 में। अन्य अपन यहाँ पर देखते हैं तो अन्य में आपके मंगला हो गया, मंगला के बाद दुर्गा, रागेश्वरी, दुर्गा रागेश्वरी, उसके बाद आप देखते हो ऐश्वर्या कामेश्वरी, ठीक है, दुर्गा रागेश्वरी ऐश्वर्या कामेश्वरी, उसके बाद आपके भाग्यम। तो ये जो तेल के क्षेत्र हैं या तेल के कुएं हैं वो आपके बाड़मेर सांचौर बेसिन में, जैसलमेर में आप देखते हो तनोट, ठीक है, तनोट है और गागेवाला, ठीक है। बीकानेर में एक ही याद रखना है पूनम, और इसमें आप देखते हो तो इसमें आपके कोटा जिले में भी हैं, चित्तौड़ में भी हैं, कोटा हो गया, चित्तौड़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया, ये क्षेत्र इसमें आते हैं। तो निम्न में से बाड़मेर में कौन सा नहीं है? सरस्वती, सरस्वती भी है इसमें,
ठीक है, सरस्वती भी है, रागेश्वरी भी है, मंगला भी है, लेकिन जो पूनम है वो पूनम आपके बीकानेर बेसिन में, तो इसका जो सही जवाब आपके हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पूनम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पूनम। एक आप याद रखना, एक मार्स, ये जो ट्रिक है इससे भी आपको ये याद रखना, ठीक है, मंगलम ऐश्वर्या रागेश्वरी, ठीक है, मंगलम ऐश्वर्या और रागेश्वरी, तो इसके नाम से भी आप ट्रिक याद रखना, ऐसे कौन सा हो जाएगा, सरस्वती हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मुल्तानी मिट्टी प्रसिद्ध है, मुल्तानी मिट्टी कहाँ की प्रसिद्ध है आपके, मुल्तानी मिट्टी, जो मुल्तानी मिट्टी है ना आप मुंह पे लगाते हो, तो ये आपके हैं बाड़मेर, ठीक है, कहाँ की है, बाड़मेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसमें बाड़मेर है, बाड़मेर ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में आपके कौन सा है, बीकानेर में, ठीक है। पाली में एस्बेस्टोस भी है और नाना खराब में टंगस्टन भी देखने को मिलता है, ठीक है। उदयपुर में आप देखोगे घिया पत्थर और धौलपुर में आप देखते हो लाल बलुआ पत्थर, ठीक है दोस्तों। तो आज जो खनिज के जो क्वेश्चन थे वो आपके यहीं क्या होते हैं, समाप्त होते हैं, और आज के जो क्वेश्चन हैं वो आप जरूर देख के जाना। विश यू ऑल द बेस्ट, जब तक आप देखते रहिए अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। ओके, थैंक यू सो मच।